तो गाइस WWE ने फाइनली अनाउंस कर दिया है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न। और गाइस जो मैंने आपको लगातार बता रहा था, हाँ गाइस हमारे स्मैकडाउन आने वाली जो फास्टलेन के बाद जस्ट होने वाली 13 तारीख को स्मैकडाउन, उसमें हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं, ये WWE ने ऑफिशियली अनाउंस करा है। पर गाइस इसके बाद स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा रही है कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस फास्टलेन में अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा फास्टलेन में हमारे सीना वर्सेस हमारे सोलो सिको और हमारे जिमी उसो का मैच है, तो उसमें गाइस हमारे रोमन रेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। और गाइस इसके अलावा हमारे रोमन रेंस के अलावा भी इस मैच में एक रेसलर इन्वॉल्व होने वाला, और गाइस वो होने वाला हमारे जॉन सीना का मिस्ट्री पार्टनर, और गाइस वो कोई और नहीं एले नाइट है, क्योंकि गाइस एले नाइट का भी जो कवर कल की निकल के आ रही है रिपोर्ट में कि गाइस हमारे एले नाइट होने वाले थे वो बंदे जो हमारे जॉन सीना का पार्टनर बनने वाले थे, पर गाइस वो एक बिल्कुल एंडिंग मोमेंट में हमारे जॉन सीना का पार्टनर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि गाइस वो हो गए कोरोना पॉजिटिव, और गाइस इसकी वजह से उनको 2 हफ्ते का क्वारंटीन होना पड़ा, और उस क्वारंटीन के टाइम में हमारे जॉन सीना की वो हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए हमें एजे स्टाइल वाला एंकल देखने को मिला, और इस कारण हमारे जॉन सीना बिल्कुल अलग दिखे। और गाइस अब ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि हमारे एले नाइट होने वाले हमारे जॉन सीना के पार्टनर, और गाइस वो कल की स्मैकडाउन में बहुत खतरनाक तरीके से हेल्प करने वाले हैं हमारे जॉन सीना की, मतलब कि वो अटैक कर सकते हैं हमारे सोलो सिको और जिमी उसो पर, और गाइस उसके बाद वो बन जाएंगे हमारे ऑफिशियली और फास्ट लाइन के पार्टनर हमारे जॉन सीना के, और गाइस उन्हें काफी अच्छा पुश मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि गाइस ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व होंगे तो गाइस उनको काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आएंगे, और WWE ने लाइमलाइट ले चुके हैं उनको, इस कारण वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आने वाले, क्योंकि उनकी मर्चेंडाइज सेल काफी ज्यादा हाई चल रही है आजकल, और गाइस इसके बाद WWE समझ चुकी है कि एले नाइट काफी ज्यादा पॉपुलर है अभी ऑडियंस के बीच में, इसलिए एले नाइट होने वाले हैं हमारे WWE के नेक्स्ट फेस अगर ऐसा होता है और सब ठीक जाता है तो। और गाइस इसके बाद एक काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि हमारे एज ने फाइनली अपना डेब्यू कर चुके हैं हमारे AEW में। हाँ गाइस ये बिल्कुल रूमर खतरनाक वाली रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि गाइस अभी हाल फिलहाल में जो AEW का वीकली शो होता है उसके ऊपर गाइस हमारे जे वाइट मतलब उनके ऊपर अटैक करते हुए हमें कुछ एक मास्क मैन दिखाया, और गाइस वो मास्क मैन हो सकता है हमारे हो एज। हाँ गाइस एज का काफी ज्यादा WWE में अभी तक रूमर डाउन था कि एज WWE को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और गाइस वो जाने वाले AEW में, और गाइस इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो काफी ज्यादा शक भी यही हो रहा है कि हमारे एज ही थे वो उस मास्क मैन के पीछे, और गाइस वो हो सकता है क्रिश्चियन केज या हमारे MJF वाला जो मैच होने वाला है जे वाइट के साथ उसमें इन्वॉल्वमेंट हो उनका, क्योंकि गाइस अभी हाल फिलहाल में जो एज की जो डील थी ना WWE के साथ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि गाइस आपको कल की रिपोर्ट में ऐसा आया है कि हमारे एज का जो नाम था इनसाइडर रोस्टर में जो WWE का इनसाइडर रोस्टर रहता है जिसमें अंदर जो भी करेंट सुपरस्टार WWE जिसका नाम साइंड है उनमें जो नाम होता है उसमें हमारा एज का नाम कल हट चुका है, तो गाइस इसके बाद तो एज की जो डील है ना वो गाइस संडे से पहले खत्म हो जाएगी हमारे WWE के साथ, और गाइस वो किसी भी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, और गाइस वो AEW के अंदर जाएंगे प्रोबेबली, इसके पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि गाइस मास्क में आया उसको देख के तो यही लग रहा है कि हमारे AEW में रिलीज कर चुकी है कोई ना कोई एक सुपरस्टार आने वाला है, और गाइस कभी एज होते हैं तो गाइस क्या ही मजा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कभी एज आते हैं AEW के अंदर तो गाइस उनके काफी बड़े बड़े ड्रीम मैच देखने को मिल सकते हैं हमें, खासतौर पर गाइस एक मैच होने वाला है क्रिश्चियन केज वर्सेस हमारे एज का, ये भी देखने को मिल सकता है, और गाइस वो देखने को मिल सकता है हमें केनी ओमेगा वर्सेस हमारे एज का मैच भी, और गाइस इसके अलावा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए भी जा सकते हैं AEW की, क्योंकि वर्ल्ड टाइटल में अभी MJF है तो MJF वर्सेस एज का मैच काफी तगड़ा हो सकता है। तो गाइस आप क्या एज को देखना चाहते हैं AEW में, क्योंकि गाइस जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि हमारे एज जाने वाले हैं AEW में, पर गाइस नेवर द से नेवर वाला काम जरूर हो सकता है इसमें कि हमारे एज वापस साइन कर ले WWE के साथ डील, और गाइस वो शामिल हो जाए लेजेंड के दौर में। हाँ क्योंकि गाइस पता ही होगा आपको एज अब रिटायर होने के बिल्कुल बहुत नजदीक है, तो गाइस कभी वो अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं तो गाइस वो WWE के साथ एक और डील साइन कर सकते हैं जैसे हमारे अंडरटेकर ने साइन की है, और गाइस वो उसके बाद एक रिटायरमेंट के बाद भी एक लेजेंड बने रहेंगे और हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, तो गाइस उनको WWE थोड़े बहुत पैसे देती रहेगी, और हमारे एज भी कभी कभी हमें देखने को मिलते रहेंगे WWE के अंदर और बिल्कुल लेजेंड में शामिल हो जाएंगे, और गाइस उन्हें होना भी चाहिए क्योंकि गाइस उनकी एज हो चुकी है, और गाइस एज की अब एज हो चुकी है, तो गाइस उसके बाद तो बिल्कुल कन्फर्म है कि हमारे एज अब ज़्यादा मैच तो रेसल नहीं कर पाएंगे, और गाइस जितने भी मैच रेसल करेंगे ये तो कन्फर्म है हमारे एज काफ़ी खतरनाक परफॉर्मर है, और गाइस वो अपने एज काफ़ी अच्छे तरीके से रेसल करेंगे। तो गाइस आज का आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।